Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. I am Anubhav Dipani, faculty at Synopsis of Polity and Geography Option. हम लोगों ने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो सीरीज हैं वो अब अपने चैनल में अपलोड करना कंटिन्यू कर चुके हैं। 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं द हिंदू के, हम लोगों ने उसे अपनी 5 मिनट की सीरीज में यूट्यूब पे अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं और उसका जो फ्री PDF है वो भी आपको अपनी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आज का जो हमारा वीडियो है वो हम लोग फरवरी के करंट अफेयर्स का एक कंपाइलेशन लेकर आ रहे हैं। 1 to 28 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम लोगों ने उसको सिर्फ 20 पेजेस में कंपाइल किया है, राइट? तो जो हम लोग सब्जेक्ट्स हैं जो जिस करंट अफेयर्स के हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी एक्सेट्रा। खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिलिम्स को लेकर फोकस है। इसमें आपको थोड़ा बहुत मेंस की भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट प्रिलिम्स दैट इज द थिंग वी आर फोकसिंग ऑन। जिस तरीके से पॉलिटी के अगर हम लोग अब अपने करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिटी की मुश्किल से 3 या 4 या 6 न्यूज आई थी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी प्रिलिम्स के लिए, वो एक पेज में ही खत्म हो गई है, राइट? चलिए तो अब हम लोग अपना करंट अफेयर्स जो है कंपाइलेशन वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स जस्ट चेक आउट द सिनॉप्सिस वेबसाइट। इसमें जो स्पेशल कोर्सेज हैं आप लोगों के लिए, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज 2020 एंड 50-50 सीरीज। इसे हम लोग प्रीलिम्स इन 100 टॉपिक्स के नाम से भी जानते हैं। प्रीलिम्स इन 100 टॉपिक्स कोर्स में हम लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं कि हम लोगों ने पर्टिकुलर ईयर के लिए सेलेक्टिव 100 टॉपिक्स लिए हैं जो प्लस माइनस 10 हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि उन 2020 50-50 के सीरीज से ही क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स में आएंगे। इसमें दो तरीके के मेजर आपको वीडियोस मिलेंगे जो 20 मिनट्स या 50 मिनट्स के रहेंगे। ये प्रीलिम्स इन 100 टॉपिक्स कोर्स आपके लिए कितना हेल्पफुल है, इसमें कृष्णा सर ने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए हैं कि 2019 या 20 के जो यूपीएससी प्रीलिम्स थे उसमें से अराउंड 59-60 क्वेश्चंस इसी कोर्स से आए थे। इसके अलावा हमारे पास मेंस इन 300 टॉपिक्स का भी एक कोर्स है जिसे आप परचेस कर सकते हैं, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। और अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, मेल अस, और एक्चुअली विजिट आवर वेबसाइट। जो ऑप्शनल हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, दैट वुड बी ज्योग्राफी, जियोलॉजी, PSIR एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहले हम लोग पॉलिटी का करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज वॉइस वोट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस में किसी न किसी तरीके की मेजोरिटी से बिल पास किया जाता है, चाहे वो सिंपल मेजोरिटी हो, स्पेशल मेजोरिटी हो या एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो, ये डायरेक्ट वोटिंग होती है। लेकिन एक और तरीका है जिससे कि हम लोग बिल्स पास करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वॉइस वोट। फॉर एग्जाम्पल, लोअर हाउस या अपर हाउस में कोई बिल पास हो रहा है और अगर जो चेयरमैन है या स्पीकर है अगर वो वोटिंग नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ वॉइस के आधार पर भी हम लोग उसको डिसाइड कर सकते हैं, बेसिकली ओरली रिस्पॉन्ड करते हैं। दैट मींस अगर कोई बिल के फेवर में है तो आए या फिर ये कहता है, और अगर कोई उस बिल के अगेंस्ट में है तो नो या फिर नहीं कहता है। ये इशू इस वक्त करंट अफेयर्स में इसलिए आया है क्योंकि हमारे लोअर हाउस में कुछ बिल्स को पास करने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के नाम से भी जानते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन द सेंस लेजिस्लेचर प्रिविलेज, जो स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी इंप्लीमेंटेड होता है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 105 में हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ते हैं, या फिर आर्टिकल नंबर 194 में हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, चाहे वो बजट सेशन हो, मॉनसून सेशन हो या विंटर सेशन हो, तो सेशन के बीच में किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी सिविल केस के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता, यहां तक कि सेशन खत्म होने के 2 या 3 महीने बाद तक एंड सेशन शुरू होने से 2 या 3 महीने पहले तक उसे सिविल केस के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल केस में बात कुछ और होती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। तो ये न्यूज में क्यों आया था, क्योंकि हमारी लोकसभा की एक मेंबर है, उन्होंने किसी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कोई एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, बट वो लोकसभा में दिया था इसलिए उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं चल पाया, क्योंकि वो उनके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अंदर आता है, राइट? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अडल्ट्री। अडल्ट्री एक टॉपिक है, पहले देखते हैं कि अडल्ट्री क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर एक मैरिड मैन का किसी तरीके का सेक्सुअल रिलेशन है एक ऐसी लेडी से जो उसकी वाइफ नहीं है, या फिर किसी एक लेडी का सेक्सुअल रिलेशन है ऐसे आदमी से जो उसका हस्बैंड नहीं है, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो ये लीगल है। मतलब यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली लीगल है, बट इन द सेंस कि इस पर पनिशमेंट नहीं मिल सकती।
सो अडल्ट्री अब कोई एक लीगल इशू नहीं रह गया, लेकिन दो या तीन ऐसे एक्सेप्शंस हैं, ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर अडल्ट्री को एक्चुअली में पनिशेबल माना जाता है, जैसे कि आर्मी एक्ट हो गया या सिविल सर्विस एक्ट हो गया। अगर आप सेंट्रल सिविल सर्विसेज में हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज में हैं, या फिर अगर आप आर्मी से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, तो अडल्ट्री एक ऐसा इशू होगा जो आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ को भी इफेक्ट करेगा, और आपके सामने ये सिचुएशन आ सकती है दैट यू कैन अनबिकम द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज का। हम सभी लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में हम लोग बायलिंगुअल पॉलिसी यूज करते हैं, दैट मीन्स अगर किसी भी तरीके का ऑफिशियल काम है तो वो हिंदी या इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन ये जो लिमिटेशन है लैंग्वेज के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ बायलिंगुअल लैंग्वेज तक ही है, यानी कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, वहां पर सिर्फ बायलिंगुअल काम ही हो सकता है। ये कौन से रूल में हम लोगों ने पढ़ा है, ये हमने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 में इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हार्ड सॉवरेंटी, एक टर्म है जो आई थी। सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है? सॉवरेंटी इज अ वर्ड एक्चुअली विच इज इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। सॉवरेंटी का मतलब होता है हिंदी में जिसे हम संप्रभुता कहते हैं। That means, अगर कोई भी एक कंट्री है और वो अपना डिसीजन खुद ही लेना चाहती है और वो ये नहीं चाहती कि कोई भी बाहर की कंट्री या बाहर के मेंबर उसके इंटरनल डिसीजन में किसी भी तरीके का इंटरफेयर करें, तो इसे हम सॉवरेंटी कहते हैं। सॉवरेंटी इज अ वेरी गुड थिंग टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ योर कंट्री, लेकिन ये सॉवरेंटी जब एक लिमिट क्रॉस कर जाती है तब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप इस सॉवरेंटी को हाइपर सॉवरेंटी में ले जाते हैं या फिर अपने नेशनलिज्म को हाइपर नेशनलिज्म के लेवल पे ले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री के लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल रिलेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पॉलिटी के करेंट अफेयर्स से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग गवर्नेंस के करंट अफेयर्स पे। पहला जो टॉपिक है गवर्नेंस का, दैट इज वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन। इस टॉपिक की हेडिंग से ही हमको समझ में आ रहा है कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन का मतलब क्या है। यहाँ पर हम लोग इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी हम लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी तरीके के प्रोडक्ट क्यों ना बने, उनके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो ये वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, और जो क्वालिटी डिसाइड की जा रही है उस क्वालिटी के स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आते हैं हम लोग, दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन आइटम को बढ़ावा देती है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन यानी सिंगल आइटम को बढ़ावा देती है, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए जो फूड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, और उसी को मिड डे मील स्कीम के अंडर इंप्लीमेंट करके हम लोग स्कूल के बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश जो है वो पहली गवर्नमेंट बनी है इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जिस प्रोडक्ट को सबसे पहले इंकरेज किया है उसे, वो है स्वीट पोटैटोस, जो जिसे उत्तर प्रदेश में सुनहरी कंड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अमेंडमेंट इन आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, एज वी ऑल नो कि 2005 में इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था। ये हमको लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, हर तरीके का राइट देता है कि जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं पब्लिक इन्वॉल्व हो, वो इन्फॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट से मिल सकती है। तो ये जो पूरी आरटीआई एक्ट की प्रोसेस है, इसका जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास होती है। तो अभी अभी आरटीआई में ये अमेंडमेंट आया है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे एंड स्टेट लेवल के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, उनकी जो कंडीशंस होंगी ऑफिस की, उनके जो सर्विस होंगे और उनकी जो सैलरीज होगी, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसके अलावा जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर उस कमीशन के जो मेंबर्स रहेंगे, उनका जो टेन्योर है वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। और ये न्यूज में क्यों आया है? न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इस डिसीजन के अगेंस्ट में जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया। पीआईएल का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 300, ये कहीं ना कहीं काम आ सकता है आप लोगों को। आर्टिकल नंबर 300, इसे आर्टिकल नंबर 300 क्लॉज ए के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। आर्टिकल नंबर 300 क्लॉज ए इज राइट टू प्रॉपर्टी एंड आर्टिकल नंबर 300 इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2021। ये कहीं ना कहीं लव जिहाद से रिलेटेड एक टॉपिक है। इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर कोई भी दो पर्सन शादी करते हैं
लेकिन अगर किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से इस इंटेंशन के लिए शादी की है कि शादी करने के बाद सामने वाले का या सामने वाली का रिलीजन चेंज कर दिया जाएगा, अगर इंटेंशन रिलीजन चेंज करना है शादी का, तो वो जो मैरिज है उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर शादी के बाद दोनों में से कोई भी हस्बैंड या वाइफ अगर कहते हैं कि हम उन्हें अपना रिलीजन चेंज करना है, तो उन्हें उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिटन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उनके सामने उनको अर्जी लगानी पड़ेगी, एंड दैट इफ दैट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फील्स कि ये जेन्युइन है तभी वो परमिशन मिल सकती है। राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स ऑफ 2021। ये हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या फिर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स से रिलेटेड है। जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इंडिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या अमेजॉन हो, गवर्नमेंट का ये कहना है कि काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज उसमें हैं, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो होंगे उनमें जो कंटेंट रिलीज किया जाएगा वो एक गाइडलाइंस के अंडर होंगे, और वो जो गाइडलाइंस हैं डिजिटल मीडिया की वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट इम्प्लीमेंट हुआ है, रिलीज हुआ है, और अगर वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के थॉट्स के अगेंस्ट है, तो उस पर्टिकुलर कंटेंट को उस ओटीटी प्लेटफॉर्म से बिना पब्लिशर को इन्फॉर्म किए उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम लोग सॉफ्ट टच ओवरसाइट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नो पोस्टल बैलेट्स फॉर एनआरआईज दिस टाइम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस बार जो एनआरआईज हैं उनको पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट देने नहीं दिया जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके प्रीलिम्स में आ सकता है कि पोस्टल बैलेट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हम सभी लोगों ने पढ़ा है, जैसा कि हम लोग नॉर्मली पोलिंग स्टेशन पे जाके या फिर ईवीएम मशीन के थ्रू हम लोग वोट करते हैं, बट पोस्टल बैलेट्स में ऐसा होता है कि जो एनआरआई इलेक्टर्स हैं उनको हम लोग पोस्टल बैलेट्स पहुंचा देते हैं, जिसको हम लोग सीक्रेट बैलेट के नाम से भी जानते हैं, और पोस्ट के थ्रू वो अपना जो वोट है वो कास्ट करते हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पोस्टल बैलेट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये रूल कंप्लीटली। इसमें होम मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि यूएपीए एक्ट के तहत अब सेंट्रल होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली ये डिसाइड कर सकती है कि इंडिया में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो लॉफुल है या फिर अनलॉफुल है, ये सेंट्रल होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। मेन इशू इसमें ये आ रहा है कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने अपनी कोई भी ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की है जिसमें वो कहीं ना कहीं क्वालिटीज बता सके कि पर्टिकुलर लॉफुल एक्टिविटीज रहेंगी एंड पर्टिकुलर अनलॉफुल एक्टिविटीज रहेंगी। राइट, इस पे पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ था, तो होम मिनिस्ट्री ने अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म इसमें तैयार किया है। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की एक कमेटी को अपॉइंट करेंगे, और ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की जो कमेटी है ये डिसाइड करेगी कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने जो लॉफुल या अनलॉफुल एक्टिविटी को काउंटर किया है वो एक्टिविटी सही है या नहीं है। राइट, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने गवर्नेंस के नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2022। ये जो मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल है ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को रिप्लेस करने वाला है। इस 2020 के बिल में मेजर अमेंडमेंट्स ये किए गए हैं कि इससे पहले जितने भी मेजर पोर्ट्स थे इंडिया में उनके जो सारे रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड किए जाते थे वो गवर्नमेंट करती थी। इससे क्या है कि डेवलपमेंट कुछ हद तक स्लो हो जाता था, लेकिन इस अमेंडमेंट में, मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल के अमेंडमेंट में, जितनी भी पावर्स हैं डिसीजंस लेने की वो मेजर पोर्ट्स को दे दी गई हैं, और हर एक मेजर पोर्ट की खुद की एक काउंसिल होगी, उसमें चेयरमैन होंगे, उसमें मेंबर्स होंगे, एंड वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। बेसिकली इट इज गोना बी वेरी गुड फॉर इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में। इसमें तीन सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 69A, सेक्शन 69A क्लॉज 3 एंड ब्लॉकिंग रूल्स। सेक्शन 69A में ये कहा गया है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन इंडिया में आ रही है या फिर इंडिया में एक्सेस हो रही है जो इंडिया की इंटेग्रिटी या सिक्योरिटी के अगेंस्ट जा सकती है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या किसी भी मीडिया के थ्रू हो, तो उस इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ब्लॉक कर सकती है, और जिन्होंने उसको एक्सेस किया है उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है। राइट, एक और सेक्शन है, सेक्शन नंबर 69A क्लॉज सब क्लॉज 3। इसमें कहा गया है कि जो भी सेक्शन 69A को
वायलेट करेगा, दैट मींस अगर 69A के तहत अगर उन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सेस की है इंडिया में जो इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, तो उनको मिनिमम मैक्सिमम 7 years तक की इंप्रिजमेंट जो है वो हो सकती है. राइट, ब्लॉकिंग रूल्स एक डेफिनेशन है, आप बस देख सकते हैं. ऑल रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स वुड बी रिमेन स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल. मतलब अगर आर्टिकल सेक्शन 69A के तहत अगर कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की कंप्लेंट करता है, जो जिसने कंप्लेंट किया है उसकी इंफॉर्मेशन को, उसकी पहचान को छुपा के रखा जाएगा. ओके, नेक्स्ट ये वन लाइनर है, आप देख सकते हैं. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो चेयरमैन है वो विजय सांपला बने हैं. इनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं. एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के जो चेयरमैन है वो हर्ष चौहान है, उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं. तो जो शेड्यूल कास्ट की जो कमीशन होती है उसका आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 338, एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन जो होती है उसका आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 338 क्लॉज ए. राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग. शशि थरूर कमेटी ऑन 5G. शशि थरूर की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बैठी थी जिनको ये कहा गया था, जिनका बेसिकली ड्यूटी और फंक्शन ये था कि 5G इंडिया में जो इंप्लीमेंट हो रहा है इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर रिपोर्ट देनी है. तो ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. शशि थरूर कमेटी ने ये कहा है कि अगर हम लोग 5G के स्पेक्ट्रम ऑक्शन में 6 महीने और लेट हो गए तो ये जो 5G की अपॉर्चुनिटी बस है इसको हम कहीं ना कहीं मिस कर देंगे. जैसे कि 2G 3G एंड 4G भी इंडिया में दूसरे देशों के कंपैरिजनली लेट आया था, इसलिए हमारी टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी कम डेवलप हुई या फिर धीरे डेवलप हुई. 5G के साथ भी वही रिस्क है. सो शशि थरूर जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के अंडर जो IT कमेटी आती है उसके वो चीफ हैं. राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग. प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, ये 2016 में लॉन्च हुआ था. प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट में मेन फंक्शन ये है कि पाइप्ड कुकिंग गैस जो है उसका यूज किया जाता है. जैसे हमारे घर में सिलेंडर आता है LPG और फिर हम लोग उससे गैस जलाते हैं, लेकिन अब वो जो सिलेंडर को एक घर से दूसरे घर ले जाना या फिर गोडाउन से सिलेंडर लेके आना, ये सारी की सारी प्रोसेस बंद हो जाएगी. किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेन कंटेनर होगा, वहां से पाइप लिया जाएगा और सीधा जो हाउस होल्ड तक पहुंचाया जाएगा. तो वो जो सिलेंडर का सिस्टम है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा. ठीक है, ये जो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन है इस प्रोजेक्ट का वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करने वाली है. जो पाइपलाइन का एक्सटेंशन है रिसेंटली वो बिहार से बंगाल तक और यूपी से ओडिशा तक हो चुका है. न्यूज कॉन्टेक्स्ट क्यों है, क्योंकि गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने यह कहा है कि वेस्ट बंगाल को भी हम लोग इस ऊर्जा स्कीम में लॉन्च इंप्लीमेंट करने वाले. नेक्स्ट आते हैं हम लोग कपिला, दैट इज कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता उसके लिए अवेयरनेस जगाने के लिए इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है. जस्ट वन लाइनर. नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, 2017 में लॉन्च किया गया था इसको. ये न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि फरवरी में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया था कि 1.7 करोड़ जो वुमेन हैं उनको इस स्कीम से फ़ायदा हुआ था. ये एक मटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है, इसमें जो फर्स्ट चाइल्ड जो होता है उस टाइम पे जब वो वुमेन प्रेग्नेंट रहती है तो उसको 5,000 rupees डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कैश के थ्रू दिए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ के लिए ही है. और इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता. जननी सुरक्षा योजना भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ से रिलेटेड है. तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अगर पैसे मिल रहे हैं तो जननी सुरक्षा योजना के नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है. ये दोनों स्कीम पैरेलली चलती रहेंगी, मातृवंदना के भी पैसे मिलेंगे एंड जननी सुरक्षा योजना के भी पैसे मिलेंगे. ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, चाहे वो स्टेट के अंडर आता हो या सेंट्रल के अंडर आता हो. ओके, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, दैट इज स्टार्स प्रोजेक्ट. स्टार्स प्रोजेक्ट का मतलब है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स. ये कम्प्लीटली एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए है. इसका मेन फंक्शन ये है कि जो एजुकेशन लेवल है इंडिया में वो गांव के लेवल तक, विलेज लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना चाहिए. और ऐसे टीचर्स जो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उस लेवल का पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है. इसको जो फंडिंग मिली है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड वर्ल्ड बैंक ने दी है. और फिलहाल के लिए इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 6 states में हुआ है, दैट इज हिमाचल, मध्य प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान. ठीक है, एक और स्कीम है परख, ये स्टार्स प्रोजेक्ट के अंडर ही आती है. परख में बेसिकली क्या किया जाएगा, अब ऑब्वियसली बात है कि एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी है और 2021 में इम्प्लीमेंट हो रही है तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर ही होगी, इट्स काइंड ऑफ कॉमन सेंस. तो स्टार्स प्रोजेक्ट में जो चीज़ें इंप्लीमेंट की गई हैं उनका परफॉर्मेंस असेसमेंट किया जाएगा, किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट आया है, किस तरीके से उसमें चेंज आया है, ये हम लोग परख में देखेंगे.
चलिए नेक्स्ट आते हैं, सेटलिंग ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट केस बाय पेरेंट। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है, डिलीवर किया है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी विक्टिम है और उसका अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो उसके फादर या उसके पेरेंट को ये कोई हक नहीं है कि उस पूरे की पूरी घटना को वो सेटल कर सके। इस घटना को वहीं के वहीं सेटल करना है या फिर इसको जुडिशरी के थ्रू आगे लेके जाना है, ये सिर्फ और सिर्फ वो विक्टिम ही डिसाइड कर सकता है, उसके पेरेंट्स डिसाइड नहीं कर सकते। चलिए एक ट्रेडिशनल टॉपिक है हमारे करंट अफेयर्स में, सेंसस। सेंसस आपको पता है कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के अंडर होता है और होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। सेंसस क्या है कि हम लोग अपनी पॉपुलेशन को गिनते हैं। पॉपुलेशन को हम लोग काउंट करना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से ही हम लोग अपना बजट फिक्स करते हैं और पॉलिसी और स्कीम बनाते हैं। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में साइंटिफिकली मैथमेटिकली हम लोग जो अपनी पॉपुलेशन का काउंट करते हैं उसे हम लोग सेंसस कहते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है सेंसस का। सेंसस के बारे में आपको ऋग्वेद, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी है, आईने अकबरी के बारे में भी आपको देखने को मिलती है। पहली बार इंडिया में जो सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था। उस टाइम पे जो इंडिया के वायसराय थे वो लॉर्ड मेयो थे। इसके अलावा जो रेगुलर सेंसस है इंडिया में वो 1881 से स्टार्ट हुआ था और हर 10 साल में सेंसस फिर चलता रहता है। जैसे 1881 में वाज़ द फर्स्ट रेगुलर, 1891 उस तरीके से 10 साल तक। 2021 में होना था बट पेंडेमिक की वजह से इट हैज बीन पोस्टपोन्ड टू 2022। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो लड़कियों को साइंस के फील्ड में अपना करियर जो है बिल्डअप बनाने के लिए इंकरेज करता है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको इंप्लीमेंट किया है और किस प्रोजेक्ट के अंडर किया है, दैट इज स्टेम प्रोजेक्ट। स्टेम प्रोजेक्ट से दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट, राइट। चलिए ये थे हमारे गवर्नेंस के करंट अफेयर्स। अब हम लोग आते हैं अपने इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है फिस्कल कंजर्वेटिज्म। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलोसॉफी है कि फिस्कल पॉलिसी किस तरीके की होनी चाहिए एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके की होनी चाहिए। इसमें इस फिलोसॉफी में ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट को टैक्स हमेशा लो रखने चाहिए, गवर्नमेंट को खर्चे कम करने चाहिए और गवर्नमेंट जो लोन लेती है, जो डेट लेती है, वो भी उनको कम लेना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर फ्री ट्रेड की बात की जाती है, प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है और टैक्स को कट करने की बात की जाती है, राइट। तो ये जो हमारी फिस्कल कंजर्वेटिज्म की फिलॉसफी है ये क्लासिकल लिबरलिज्म के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नजदीक है, राइट। चलिए अब हम लोग क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं क्योंकि वो आ चुका है कंटेंट में। तो ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये इकोनॉमिक फ्रीडम के फेवर में बात करता है और ये भी कहता है कि सिविल लिबर्टीज होनी चाहिए, मतलब जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, वो सिटीजन्स के पास होनी चाहिए, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, यानी रूल ऑफ लॉ के अंडर। लेकिन जो मेन पॉइंट है इसका वो ये है कि ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करता है। क्लासिकल लिबरलिज्म की जो थ्योरी है वो 19th सेंचुरी में सबसे ज्यादा डेवलप हुई थी, लेकिन जो ओरिजिनेशन हुआ था इसका अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ था। और बहुत सारे लिबरल इंडिविजुअल्स रहे जैसे जॉन लॉक या फिर रॉबर्ट मैल्थस या फिर डेविड रिकार्डो, जिन्होंने इस क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में बात की है। और क्लासिकल लिबरलिज्म की अगर हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं तो एडम स्मिथ ने सबसे पहले इसमें बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यूज पे, दैट इज न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। इसमें एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की कंपनीज हैं और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की कंपनी है उसको बहुत ज्यादा क्लियरली डिवाइड कर दिया है। गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर की कंपनीज हैं या फिर जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं हमारे, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया या स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम, पावर, पेट्रोलियम, कोल, अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस, इन सारी की सारी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की कंपनीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर की कंपनी इस पोर्शन में इंक्लूड नहीं हुई है, उन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की कंपनी को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, या तो उनको किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, या तो फिर उनको बंद कर दिया जाएगा। और बाकी जो रिमेनिंग नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की कंपनी है, या तो उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, या तो बंद कर दिया जाएगा। नॉन स्ट्रेटेजिक कंपनीज को किसी के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट या फिर कंबाइंड ट्रांसपोर्ट हम लोग किसको कहते हैं। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऐसा होता है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें बनती है, मतलब ऐसा है कि
जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट अडॉप्ट किया है वो तो सिंगल कंपनी है, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें रेलवे भी बनाना है, वाटरवेज भी बनाने हैं, रोड्स भी बनानी है, एविएशन भी बनाना है, तो उसको हम लोग मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट इकोनॉमी की न्यूज़ है। वैसे ये प्रीलिम्स या फिर मेंस, प्रीलिम्स में तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। इंडिया इज आउट ऑफ रिसेशन, पिछले एक साल से पैंडेमिक कंटिन्यूसली चल रहा है और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, जो रियल जीडीपी ग्रोथ है, वो -23.92 और -7.54 तक चली गई थी, बट अब वो पॉजिटिव सेंस में आ रही है और अभी हमारा जो जीडीपी है थर्ड क्वार्टर में 2020-21 में वो 0.4% तक एटलीस्ट पहुंच चुका है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, PIL, that is Production Linked Incentive Plan for Telecom, इसका मेन एम ये है कि ग्लोबल हब बनाना है इंडिया को जो टेलीकॉम इक्विपमेंट होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके की इक्विपमेंट क्यों ना हो, चाहे वो 4G या 5G से रिलेटेड हो, या फिर वो वायरलेस हो, या फिर नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एक्सेस हो, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है अब वो इंडिया बनना चाहिए, तो ये इस PLI स्कीम के अंडर आता है। नेक्स्ट हमारे सामने एक टर्म है बैड बैंक। बैड बैंक टर्म को समझने से पहले आपको बैड लोन्स को समझना पड़ेगा। बैड लोन्स को हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और आपने उस बैंक को लोन वापस नहीं किया, आपने अपने हाथ खड़े कर दिए और आप बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए, तो आपने जो लोन लिया वो अब गवर्नमेंट को वापस नहीं मिल पा रहा है, तो वो जो लोन गवर्नमेंट वो जो लोन बैंक को जब वो वापस नहीं मिलता तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। ठीक है, अब बैड बैंक क्या होता है? बैड बैंक एक ऐसी एक रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो उन बैंक्स को कांटेक्ट करती है जिनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक के पास 10 करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो ये बैड बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये इस बैंक के पास जाएगा और कहेगा कि आपका जो 10 करोड़ रुपए का NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो आप हमको 5 करोड़ रुपए में दे दो, तो वो बैंक एक्चुअली में काफी जल्दी मान जाएगा क्योंकि 10 करोड़ में से कम 5 करोड़ रुपए तो रिकवर हो रहे हैं। अब इस बैड बैंक ने उस बैंक के साथ कमर्शियल बैंक से 5 करोड़ में NPA ले लिया। अब इस बैड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो जो बैंकरप्ट कस्टमर है उससे वो पूरे के पूरे पैसे निकलवाए। ठीक है, इट्स क्वाइट काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दो न्यूज और हैं हमारी इकोनॉमिक्स की। पहली है हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSEC, ये हम लोग इकोनॉमिक्स की बेसिक्स में 11th क्लास की NCERT में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को अगर किसी भी चीज़ का, बॉन्ड का, प्रॉपर्टी का अगर ट्रेड करना होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड करना होता है, तो गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से बेचती है। तो न्यूज़ में ये इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जाके इनिशिएट कर सकते हैं, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। करेंसी स्वैप अग्रीमेंट भी एक बेसिक पॉइंट है इकोनॉमिक्स का। इसमें क्या होता है कि दो कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो आपस में अग्रीमेंट करती हैं, अरेंजमेंट करती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि हमारी जो लोकल करेंसी रहेगी हम उसी में ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जो करेंसी है वो रूपी है, बांग्लादेश की करेंसी टका है, तो इंडिया और बांग्लादेश ने ये डिसाइड किया कि हम लोग रुपी और टका में बिजनेस करेंगे, यानी हम लोग अपनी अपनी जो करेंसी है उसको स्वैप करेंगे, इसमें किसी तीसरी कंट्री का इंटरफेयर नहीं होगा, जैसे कि यूएसए बीच में आ गया और डॉलर का इंटरफेयर इसमें नहीं हो पाएगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, रुपी और टका की जो वैल्यू है वो हर घंटे हर दिन बदलती रहेगी, तो जिस दिन जिस मूवमेंट अग्रीमेंट हुआ था उस टाइम पे दोनों करेंसी की जो वैल्यू रहेगी उसी करेंसी की वैल्यू को आगे तक फॉलो किया जाएगा जब तक वो अग्रीमेंट कंप्लीट ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि आज इंडिया की वैल्यू रुपी की कुछ और है, कल कुछ और हो गई तो वो अग्रीमेंट में भी चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो दिस वॉज करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। अब ये हमारे इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स खत्म हुए, अब हम लोग आते हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स पे। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ECT श्रीलंका में जो है। बेसिकली ये एक टर्मिनल है, कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के अंडर आता है। इससे 2019 में ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया और जापान मिलकर इसे बनाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर जो टर्मिनल है उसमें जो 85% पार्टनरशिप है वो चाइना के पास है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नाम पर श्रीलंका ने चाइना के प्रेशर में आकर इंडिया और जापान से वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा ले लिया एंड फिर ये कहा इंटरनेशनल लेवल पे कि हम पे किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है, तो अब ये जो टर्मिनल है वो चाइना बना रहा है। ये बेसिकली फरवरी की न्यूज़ है, लेकिन मार्च में एक दो दिन पहले फिर से ये न्यूज़ आई थी कि चाइना से लेकर ये प्रोजेक्ट अब वापस इंडिया और जापान को दे दिया गया।
अब इसके एक महीने बाद क्या होगा वी कैन नॉट से, क्योंकि ये टॉपिक अब लंबा खींचने वाला है, सो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS। ये एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का, जिसमें हम लोग टेरी के नाम से जाते हैं। टेरी जो है वो 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो टेरी का मेन फंक्शन है वो ये है कि जो एनर्जी इश्यूज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बताए और कंट्रीज को ये बताए कि एक्चुअली में एनर्जी इश्यूज क्या हैं, क्या नहीं है और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये जो WSDS है इसका जो 20th एडिशन है 2021 में वो न्यू दिल्ली जो है यानी इंडिया होस्ट करने वाला है, राइट। और ये जो समिट है ये किस चीज़ को डिस्कस करने वाला है, ये ग्लोबल साउथ 226 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ग्लासगो में 2022 में उसको ये डिस्कस करने वाला है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिटरी डिटेंशन WGAD। ये 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंडर काम करता है और ये इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट की एक बॉडी है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ये कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है और इंडिपेंडेंट केसेस भी लेता है, लेकिन उसमें यूनाइटेड नेशन का रेफरेंस होना जरूरी है। आर्बिटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन एक टर्म है, ये क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को आपने जेल में डाल दिया, इम्प्रिजन कर दिया और किसी भी तरीके की कोई एक ड्यू प्रोसेस या फिर एक प्रॉपर प्रोसेस को आपने फॉलो नहीं किया तो उसको हम लोग डिटेंशन कहते हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी, बैक चैनल डिप्लोमेसी को हम लोग ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये अनऑफिशियल चैनल होता है कम्युनिकेशन का, जिसमें जो स्टेट है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी, वैसे एक ट्रैक वन डिप्लोमेसी भी होती है। ट्रैक वन डिप्लोमेसी में क्या होता है, जब एक कंट्री की आर्मी दूसरी कंट्री की आर्मी से कम्युनिकेट करती है, जैसे अभी चाइना और इंडिया की जो आर्मी चीफ है वो मिले थे और आपस में डिस्कशन हुआ था बॉर्डर को लेके, तो उसे ट्रैक वन डिप्लोमेसी कहते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में स्टेट और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बात करती हैं, और जो ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी होती है इसमें जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि जब तक पाकिस्तानी एक्टर्स पर इंडिया में बैन नहीं लगा था तो इंडिया के सिंगर्स और एक्टर्स पाकिस्तान में परफॉर्म करते थे, पाकिस्तान के सिंगर और एक्टर्स इंडिया में परफॉर्म करते थे, तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन दो कंट्रीज के बीच में एस्टैब्लिश होता है, इसे हम लोग ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं शहतूत डैम पर। ये अफगानिस्तान में डैम है। अब ऑब्वियसली बात है कि इंडिया के करंट अफेयर्स में है तो इसको इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर बनाया होगा। ये मैदान रिवर पर बना है जो काबुल की ट्रिब्यूटरी है। इससे पहले भी इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर एक डैम बनाया था जिसका नाम था सदमा डैम 2016 में, और इसे हम लोग फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये जो लोकेटेड है वो हेग या नीदरलैंड में लोकेटेड है। 2002 में ये एस्टैब्लिश हुआ था रोम स्टैचू ट्रीटी के अंडर। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन फंक्शन ये है कि जितने भी वॉर क्राइम्स होते हैं या फिर जो जेनोसाइड्स होते हैं या फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज होते हैं। वॉर क्राइम का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है और अगर किसी भी एक कंट्री के सोल्जर ने किसी भी तरीके का अनएथिकल क्राइम कर दिया दूसरी कंट्री के इनोसेंट सिटीजन्स पर, तो उसे हम लोग वॉर क्राइम कहते हैं। तो वॉर क्राइम हो गया या जेनोसाइड हो गया तो उससे रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो ICC के पास जाते हैं। यूनाइटेड नेशन से इसका रिलेशन सिर्फ इतना है कि ये उसका मेंबर नहीं है। जो ICC है वो यूनाइटेड नेशन से अलग है, एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन हाँ यूनाइटेड नेशन की कुछ केसेस ICC रिफर कर सकता है। न्यूज में ये इसलिए आया था क्योंकि युगांडा के जो कमांडर थे, एक्स कमांडर जो थे डोमिनिक ओगवेन, इन्होंने वॉर क्राइम किया था और उसमें इनको पनिशमेंट मिली है। नेक्स्ट न्यूज आते हैं ओकोंजो इवेला। ये नाइजीरिया की है और ये WTO की हेड बनी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट शी हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू बिकम द हेड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स से। अब हम लोग आते हैं हम लोग आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स पे। नंबर वन उगाड़ी। उगाड़ी क्या होता है, ये एक तेलुगु न्यू ईयर है और 13th of April को ये हर साल पड़ता है। आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए हम लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं। पूरा का पूरा कंपाइलेशन वीडियो और पूरी की पूरी द हिंदू की जो सीरीज है वो स्पेसिफिकली आपके प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स को ही फोकस करती है, इसीलिए हम लोग बहुत कम मटेरियल में बहुत कम पेज में हम लोग साल भर का करंट अफेयर्स इंक्लूड कर लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए लेकिन याद आपको सिर्फ वही होना चाहिए जो एग्जाम में आपके लिए आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉपिक पे।
दैट इज चन्नापटना टॉयज। ये वुडन टॉयज होते हैं, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कर्नाटका में की जाती है। जो GI टैग मिला है इसको वो WTO के थ्रू मिला है। इंडिया में जो GI टैग मिला जाता है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में वहां से मिलता है, लेकिन चन्नापटना टॉयज को जो GI टैग है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से मिला है। चन्नापटना ऑब्वियसली एक जगह है जिसे हम लोग टॉय टाउन ऑफ कर्नाटका के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग म्यांमार चिन कम्युनिटी। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो बेसिकली इंडिया की जो मिजो कम्युनिटी है उसी की कम्युनिटी के फैमिली के अंडर आती है, क्योंकि चिन कम्युनिटी म्यांमार की एंड मिजो कम्युनिटी इंडिया की, इनकी जो फैमिली है वो एक ही है, उसका नाम है जू एथनिक कम्युनिटी। और अब जो चिन कम्युनिटी है म्यांमार से वो धीरे धीरे मिजोरम जो है वो माइग्रेट हो रही है, क्योंकि म्यांमार में आप सभी लोगों को पता है कि आर्मी और गवर्नमेंट का इशू चल रहा है, आर्मी ने कैप्चर कर लिया म्यांमार को। नेक्स्ट आते हैं विजयनगर के जो किंग थे उनकी डेथ से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चला है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ये बेसिकली क्या है कि सरफेस पर किसी हार्ड रॉक पर पत्थर पर कोई भी रिटन इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। एंड व्हाट इज एपिग्राफी, एपिग्राफी मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। अब वो विजयनगर के किंग कौन थे, उनकी डेथ कब हुई थी, वो आपको हिस्ट्री के लेक्चर्स में मिलेगा, अभी हम लोग करेंट अफेयर्स पर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अतुकल पोंगला, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है केरला का, 10 दिन के आसपास चलता है। नेक्स्ट पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट फॉर जगन्नाथ टेंपल, ठीक है, उड़ीसा में जगन्नाथ टेंपल है, बहुत ज्यादा फेमस है, वी ऑल नो दिस। तो इसके लिए पूरा का पूरा एक हेरिटेज जो कॉरिडोर है वो प्रिपेयर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंडर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। ग्रीन बफर जोन इसको क्रिएट किया जाएगा, इसमें एक मेघनाथ प्रचिर होगा जिसे हम लोग टेम्पल बाउंड्री बोलेंगे, एक अंतर परिक्रमा का एक एरिया होगा और एक प्रदीक्षम का एरिया होगा। तीन ऑब्जेक्टिव हैं इस प्रोजेक्ट के, पहला टेम्पल की सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो भक्त आएंगे जो डिवोटीज आएंगे उनकी सेफ्टी होनी चाहिए, और रिलीजियस एटमोसफियर वहां पर बिल्डअप होना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या है कि टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूनेस्को इसको सेलिब्रेट करता है, 1999 से कंटिन्यूसली सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसको जो इनिशिएट किया था वो बांग्लादेश ने किया था। मेन एम इसका क्या है कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो हर कंट्री में हर जगह कंप्लीटली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, कल्चर में लैंग्वेज में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और हर एक कंट्री को मल्टी लिंग्विस्टिक होना चाहिए। 2021 की जो थीम थी वो आप देख सकते हैं, फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुइज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, यूनेस्को लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन डेंजर। अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि IUCN जो है वो सिर्फ स्पीशीज को लेकर, फ्लोरा एंड फौना के स्पीशीज को लेकर लिस्ट बनाता था, लेकिन यूनेस्को भी लैंग्वेजेस से रिलेटेड उनके डेंजर में होने से रिलेटेड लिस्ट तैयार करता, तो उसको देखते हैं हम लोग। ये जो लैंग्वेज इंडेंजर्ड या वल्नरेबल या एक्सटेंट जो डिक्लेयर होती है ये यूनेस्को एटलस करता है। लैंग्वेज की हम लोग लिस्ट देख लेते हैं, एक फर्स्ट कैटेगरी है इसकी वल्नरेबल, इसमें क्या है कि मोस्ट चिल्ड्रन स्पीक द लैंग्वेज बट ओनली इन स्पेसिफिक डोमेन, मतलब बच्चे बात तो करते हैं अपनी मदर लैंग्वेज में लेकिन बहुत कम ओकेजन पर करते हैं। नेक्स्ट इज डेफिनेटली इंडेंजर्ड, इसका मतलब है चिल्ड्रन नो लॉन्गर लर्न द लैंग्वेज एज मदर टंग, यानी बच्चे अब वो अपनी मदर टंग को सीखते ही नहीं। एक्सटेंट का मतलब कोई स्पीकर उसका बचा नहीं है, वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है। सीवियरली इंडेंजर्ड इन द सेंस स्पोकन बाय ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स में अंडरस्टैंड बट डू नॉट कम्युनिकेट इन इट टू चिल्ड्रन और अमंग देमसेल्फ्स। सीवियरली इंडेंजर्ड का मतलब है कि ग्रैंड पेरेंट्स को वो लैंग्वेज समझ में भी आती है और बोलने भी आती है, जो पेरेंट्स हैं उनको बोलनी नहीं आती लेकिन सिर्फ समझ में आती है, और वो अपने बच्चों से उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं करते। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब क्या है कि सिर्फ एल्डर्स जो हैं, जो बड़े हैं, उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं लेकिन बहुत कम, पार्शियली, फ्रीक्वेंटली वो बात नहीं करते, राइट। न्यूज कंटेक्स्ट इसका क्या था कि बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट और अंडमान आइलैंड की ऐसी लैंग्वेज हैं जो डेंजर की कैटेगरी में आ चुकी हैं, और यूनाइटेड नेशन ने 2022 से लेकर 2032 तक का जो डेकेड है उसको डेकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज के फॉर्म में उसे इंप्लीमेंट किया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपनी महाराजा सुहेलदेव की न्यूज पे। महाराजा सुहेलदेव कौन थे, वो नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश में एक श्रवस्ती डायनेस्टी थी, उसके किंग थे, और नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश को उस टाइम पे श्रवस्ती भी कहा जाता था, तो एरिया का नाम भी श्रवस्ती था और जो किंगडम था उसका नाम भी श्रवस्ती था।
तो श्रवस्ती किंग थे महाराजा सुहलदेव, और इन्होंने गजनवी के जो जनरल थे, जब हम गजनवी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग 11th सेंचुरी की बात करते हैं, तो गजनवी के जो जनरल थे गाजी सैयद सलर मसूद, उनको इन्होंने हराया था और मारा था। इनका एक फाउंडेशन स्टोन अभी अभी उत्तर प्रदेश में रखा गया, इसलिए ये न्यूज में था। मिरात ए मसूदी, सिर्फ दो लाइन इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि मिरात ए मसूदी क्या है। ये 17th सेंचुरी का पर्शियन लैंग्वेज टेक्स्ट है और इसको सूफी सेंट अब्दुल रहमान चिश्ती ने लिखा था। नेक्स्ट न्यूज इज किंडल क्राफ्ट, ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जो लकड़ी पर किया जाता है, अगेन कर्नाटका में किया जाता है, और इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था 2012 में। नेक्स्ट आते हैं मोन्ना पैंडमेड पेपर, इसे हम लोग मौन शुगु के नाम से भी जानते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश का एक हेरिटेज मेडिकल आर्ट है जो 1000 साल से ज्यादा पुराना है, और ये जो पेपर है वो शुंगु शेंग ट्री से मिलता है जिसकी खुद की भी बहुत सारी मेडिकल वैल्यूज हैं। चलिए ये थे हमारे आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स, अब हम लोग आते हैं अपने सोसाइटी के करंट अफेयर्स पर। सोसाइटी के करंट अफेयर में हम लोग सबसे पहले, अच्छा हम लोग इसमें इंडियन सोसाइटी और इंटरनेशनल सोसाइटी सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सोसाइटी को एक सेक्शन में एज अ करंट अफेयर्स रख रहे हैं, राइट। चलिए तो चाइना एलिमिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, चाइना ने ये कहा है कि उसकी जो पॉवर्टी लाइन है वो $2.30 है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी पर पर्सन अ डे, मतलब $2.30 एक दिन में चाइना में जो कमाता है उससे कम कमाता है वो उसकी पॉवर्टी लाइन के अंडर आ जाता है। तो चाइना ने कहा है कि उन्होंने एब्सोल्यूट पॉवर्टी का पूरी तरीके से एलिमिनेशन कर दिया है। अब कुछ हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है वो वर्ल्ड बैंक की क्या है, वर्ल्ड बैंक की है $1.90 इन अ डे। ये जो पॉवर्टी लाइन होती है ये उस गुड्स की वैल्यू पे भी डिपेंड करती है और ये इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जो प्रोडक्ट एक एडल्ट खरीद रहा है उसको जिंदा रहने के लिए वो कितनी चाहिए होती है, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ सर्वाइवल वाली चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं जैसे कि सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं जिनका क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी इफेक्ट करता पड़ता है, क्योंकि हम लोग जब बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं तो हम लोग इतना कहते हैं भैया सर्वाइवल हो जाए, प्लेजर तो हम लोग बाद में देख लेंगे, राइट। चलिए होमोसेक्सुअलिटी पे आते हैं। होमोसेक्सुअलिटी आईपीसी सेक्शन 377 के अंडर पहले इलीगल थी, अब वो इलीगल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोगों ने होमोसेक्सुअलिटी को तो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज अभी इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि अभी सोसाइटी को इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए कोई इशू नहीं है। इंद्रधनुष 3.0 एक स्कीम है, इट इज टू कवर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन हु मिस रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक। देखिए ऐसा है कि जब कोई बेबी इशू होता है या फिर जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत सारे वैक्सीनेशन कराने पड़ते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, लेकिन पिछले एक साल में जिस तरीके से पेंडेमिक आया है तो हम सभी लोग कोविड के वैक्सीनेशन के काम में लग गए थे, और ये जो प्रेग्नेंट वुमेन का और बेबीज का जो वैक्सीनेशन का काम है वो पूरी तरीके से रुक गया था। तो इंद्रधनुष 3.0 में ओ वर्जन में अब ये फैसिलिटी दी जाएगी कि जिनका वैक्सीनेशन पिछले एक साल में इररेगुलर हुआ है उनके वैक्सीनेशन को हम लोग रेगुलर करेंगे। तो ये जो मिशन इंद्रधनुष है ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2014 में इंप्लीमेंट किया था। इसका मेन एम ये था कि जो वैक्सीनेशन है 8 डिजीज के अगेंस्ट, जो 8 मेजर डिजीज हैं हमारे, जो डायफ्थेरिया के हैं या फिर कफ हो गया या फिर टिटनेस, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके लिए हमको वैक्सीनेशन का काम इंडिया में पूरा करना है। तो इसका 3 फेजेस आए हैं, 3rd फेज अभी चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं FSSAI रेस्ट्रिक्ट्स ट्रांस फैटी एसिड्स इन फूड। FSSAI का ये कहना है कि जो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं फूड प्रोडक्ट्स में, जो बेसिकली फूड को खराब नहीं होने देते, जो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, तो वो खाना उससे खराब नहीं होता लेकिन हमारी हेल्थ उससे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो वो जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं वो हमारे फूड में 2% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और ये 2% की लिमिट जो है ये 2022 तक डिसाइड कर दी गई है कि 2022 के बाद 2% से ज्यादा ट्रांस फैटी एसिड नहीं होगा। ट्रांस फैटी एसिड क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से इसको बनाया जाता है, जो लिक्विड वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें जो हाइड्रोजन है उसको ऐड कर दिया जाता है जिससे जो फूड आइटम है उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में बना था। स्पेशल मैरिज एक्ट में बड़ा सिंपल सा चीज कहा गया है
कि अगर किसी भी दो लोगों को शादी करनी है और अगर वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के ट्रेडिशन को या कल्चर को किसी भी तरीके से अगर वो फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो बिना ट्रेडिशंस या कल्चर को फॉलो किए बिना भी वो शादी जो है लीगली एक्सेप्ट की जाएगी। ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में कहा गया है। बस इसमें एक कंडीशन ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो शादी से 30 दिन पहले होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं मेरी सहेली इनिशिएटिव। मेरी सहेली इनिशिएटिव एक पायलट प्रोजेक्ट है जो रेलवे मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब आप सभी को पता है, दैट मीन्स हम लोग किसी भी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीटली 100% इंप्लीमेंट नहीं करते हैं बल्कि एक ट्रायल के वे में उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये मेरी सहेली इनिशिएटिव एक पायलट प्रोजेक्ट है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंडर आता है और साउथ ईस्टर्न रेलवे में इसको इंप्लीमेंट किया गया है। और किस लिए? ताकि जो वुमेन की सेफ्टी है वो वुमेन पैसेंजर्स की जो सेफ्टी है वो ट्रेन में बनी रहे, राइट। चलिए ये थे हमारे सोसाइटी के करंट अफेयर्स। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स पर। तो पहला जो टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी का वो है मैंडरिन डक का IUCN स्टेटस जो है इसका लीस्ट कंसर्न है। ट्रस्ट मी इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल डक। आप गूगल पे जाइए और उसको सर्च कीजिए। इसे वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल डक भी डिक्लेयर किया गया है और ये एक साइबेरियन माइग्रेटरी बर्ड कही जाती है, ठीक है। इसमें और भी डिटेलिंग्स हैं बट अगेन फॉर योर रिमाइंडर हम लोग सिर्फ वही न्यूज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं इस सेशन में, इस कोर्स में, जो एक्चुअली में इंप्लीमेंट जरूरी है आपके प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं ट्री, द ट्री सिटी इनिशिएटिव। जो ये जो इनिशिएटिव है ये आर्बर डे फाउंडेशन ने स्टार्ट किया था USA में 1976 में। इसका मेन एम ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक ट्रीज हैं उनको लगाया जाए, जो कम्युनिटी ट्री होते हैं या कम्युनिटी फॉरेस्ट होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। आर्बर डे फाउंडेशन का इनिशिएटिव है ये। तो आर्बर डे फाउंडेशन क्या है? ये एक इंटरनेशनल NGO है और ये लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ट्री प्लांटिंग के लिए, ठीक है। इसके 4 कोर स्टैंडर्ड्स हैं अर्बन फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि जो अगर आप कम्युनिटी ट्री बना रहे हैं पूरी की पूरी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो ट्री बोर्ड या ट्री डिपार्टमेंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आर्बर डे या फिर ट्री डे सेलिब्रेशन होना पड़ेगा, प्लस अर्बन फॉरेस्ट्री में हर एक पर्सन को $2 पर कैपिटा स्पेंड करने पड़ेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ग्लोबल ट्री सिटी का जो स्टेटस है हर एक कंट्री को अलग अलग दिया जाता है, हर एक कंट्री के एक एक सिटी को। तो इस बार इंडिया की तरफ से जो ग्लोबल ट्री स्टेटस का जो अवार्ड है वो हैदराबाद को दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्लैक फुटेड फेरेट पे। USA ने पहली बार एक फर्स्ट एंडेंजर्ड अमेरिकन एनिमल की क्लोनिंग तैयार की है। ये इंपॉर्टेंट इसमें है कि ये जो ब्लैक फुटेड फॉरेस्ट है ये इंडेंजर्ड है और ये एक अमेरिकन एनिमल है और ये फर्स्ट इंडेंजर्ड अमेरिकन एनिमल है जिसकी सक्सेसफुली क्लोनिंग की गई है और बेसिकली उसके फ्रोजन सेल्स को सिक्योर करके, उसके सेल्स को फ्रीज करके सिक्योर करके क्लोनिंग की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लैंडस्लिप एंड लैंडस्लाइड के बीच में डिफरेंस है। लैंडस्लिप क्या होता है? स्लाइडिंग ऑफ अ मास of land down a slope or cliff. तो अगर कोई क्लिफ है, कोई स्लोप है, उसमें से अगर थोड़ी सी लैंड घसीट कर नीचे आ गई, ठीक है, यानी उसका वॉल्यूम जो है वो कम है, क्वांटिटी जो है वो कम है, तो उसको हम लोग लैंड स्लिप कहेंगे। लेकिन जो लैंड स्लाइड है वो लैंड स्लिप का बहुत ज्यादा बड़ा वर्जन या एडवांस वर्जन होता है। इसे हम लोग बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर रखते हैं। ये पूरी की पूरी रॉक को नीचे ले आता है, पूरी की पूरा जो मड होता है, जो पानी होता है, सब कुछ उसके साथ लैंड स्लाइड के साथ नीचे आ जाता है एंड कुड बी अ वेरी वर्स्ट डिजास्टर थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैरिकल, जिसको हम लोग वाइल्ड कैट के नाम से भी जानते हैं। IUCN स्टेटस जो है इसका वो लीस्ट कंसर्न है मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। IUCN स्टेटस जो इंडिया में है इसका वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्योंकि ये जो कैरिकल है ये सिर्फ गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। कैरिकल को हम लोग इंडिया में सिया घोष के नाम से भी जानते हैं और मेजरली अफ्रीका, मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशिया में भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट इज हिबरनेशन। ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है लेकिन साथ साथ आप इसको मेंस में भी यूज कर सकते हैं। GS पेपर 3 में जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, GS पेपर ऐसे का जो पेपर आता है उसमें भी, और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शन है तो उसमें जरूर काम आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, पहली है हिबरनेशन।
स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी व्हेन वार्म ब्लडेड एनिमल गो इनटू द बिल्स और होल्स ड्यूरिंग विंटर. तो डॉर्मेंसी मतलब जब आप खाली होते हो, जब आप शांत होते हो, जब आप किसी एक्टिविटी में नहीं होते हो. तो हिबरनेशन में क्या होता है कि डॉर्मेंसी के पीरियड में जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, अगर वो अपने बिल में चले जाए, अपने होल में चले जाए, कब? विंटर के टाइम पे. क्यों? ताकि वो अपनी जो एनर्जी है उसको बचा सकें. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हिबरनेशन कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है ब्रूमेशन. ब्रूमेशन जो होता है वो हिबरनेशन के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस थोड़ी उल्टी हो जाती है. जैसे कि हिबरनेशन में जो पूरी प्रैक्टिस है बिल में जाने की या होल में जाने की, वो वार्म ब्लडेड एनिमल कर रहे थे. ब्रूमेशन में ये जो काम है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स करते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम लोग एस्टिवेशन पे. व्हेन एन एनिमल गोज इनटू डोरमेंट स्टेट ड्यूरिंग अ हॉट पीरियड टू वेट आउट वाटर स्कार्सिटी एंड हार्श हीट. तो एस्टिवेशन में क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई है तो एनिमल जो है वो डोरमेंट की सिचुएशन में चला जाता है और वेट करता है कि गर्मी खत्म होगी, पानी वापस आएगा, खाना वापस आएगा, उसके बाद वो अपने बिल या होल से बाहर निकलता है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग, लॉस ऑफ एटमोस्फियर. इसमें सिंपल सी चीज़ है, इसमें ये कहा गया है कि जैसे जैसे मार्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म होते गया, वैसे वैसे मार्स का जो एटमॉस्फियर है वो भी खत्म होता गया. ठीक है, सो जैसे जैसे मार्स की मैग्नेटिक फील्ड कम होती गई, एटमॉस्फियर भी उसका कम होता गया, खत्म होता गया. मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है हम सभी को पता है, नाइन्थ क्लास की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, जो मैंने इंडिविजुअल वीडियो में भी आपको बताई थी, दैट इज एक्चुअली द बेस्ट. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि चाहे मूविंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्जेस हो या फिर इलेक्ट्रिक करंट हो या फिर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो, उस पे जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होता है जिसे हम लोग वेक्टर फील्ड से डिस्क्राइब करते हैं, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है. वेरी सिंपल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग मद्रास हेडगेहॉग. इसे हम लोग बेयर बेलिड हेडगेहॉग के नाम से भी जानते हैं. ये एक मैमल है, काइंड ऑफ रैट है, एग्जैक्टली हम इसको रैट नहीं बोल सकते, काइंड ऑफ रैट है. और जो इसका स्टेटस है वो लीस कंसर्न है, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है. स्नो लेपर्ड, इसे हम लोग आउंस के नाम से भी जानते हैं. तेंदुआ जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं, इसका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है IUCN का वो वल्नरेबल है और स्केड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ये आता है. हैबिटेट जो है इसका, मतलब कहाँ ये रहता है, वो एल्पाइन एंड सब एल्पाइन जोन में रहता है. एल्पाइन सब एल्पाइन जोन यू नो माउंटेन एरियाज जो होते हैं, और हिमालयस के हायर एलिवेशन पे रहता है. सेंट्रल एशिया में भी आपको ये मिल जाएगा. ओके, राइज ऑफ मैमल्स एक पॉइंट है. इसमें ऐसा है कि ओल्डेस्ट जीनस जो है उसके फॉसिल्स के बारे में हमें पता चला है. ओल्डेस्ट जीनस का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पीशीज. तो उस ग्रुप ऑफ स्पीशी में एक ऐसा स्पीशी है जिसको पुर्गेटोरियस का नाम दिया गया है और ये ओल्डेस्ट जीनस का मेंबर है, उसका फॉसिल हमको मिला है. और वो फॉसिल कहां से मिला है? हमें हेल क्रीक एरिया USA से मिला है. राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं द रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज ESRP. ये एक रिकवरी प्रोग्राम है कि बेसिकली जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनकी पॉपुलेशन को हमको जैसे तैसे बढ़ाना है. तो 2015 में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है उन्होंने प्रिपेयर किया था ये प्लान ESRP का. और नेशनली और ग्लोबली जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज होते हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, चाहे वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, मणिपुरी डियर संगाई हो, गैंगेटिक डॉल्फिन या फिर डगोंग हो, इनके बारे में प्लान बनाया था कि किस तरीके से हम इन स्पीशीज को हमको बचाना है एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो लिस्ट है उससे हमको बाहर निकालना है. वैसे तो ये जो प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ 4 स्पीशीज के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसमें 22 स्पीशीज जो है वो इन्वॉल्व है. नेक्स्ट आते हैं बैथीमेट्री. ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है. ज्योग्राफी आपका ऑप्शन हो या ना हो, GS में आपको बिल्कुल काम आएगा. ये क्या होता है? जो ओशन फ्लोर की जो डेप्थ होती है या फिर जो लेक का जो फ्लोर होता है, सबसे जो निचला हिस्सा होता है, उसकी जो स्टडी होती है उसे हम लोग बैथीमेट्री बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये द पिक्चर यू कैन एक्चुअली सी हियर द ओशन फ्लोर एंड एवरीथिंग. तो ये वाला जो एरिया है, जो ओशन बेड है इसका, सबसे नीचे का जो ओशन है उसकी जो स्टडी है उसको हम लोग बैथीमेट्री बोलेंगे. ठीक है, INCOIS एंड NRSC इन्होंने प्लान किया था कि एरियल मैपिंग की जाएगी अंडमान एंड लक्षद्वीप के इस स्टडी के लिए. राइट, ओके, सो INCOIS के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन
इंफॉर्मेशन सर्विस है जो हैदराबाद में है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल जो ओशन इंफॉर्मेशन है वो हमारी गवर्नमेंट को देती है। और NRSC अगेन अनदर बॉडी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये भी हैदराबाद में है, इसरो का ये एक कहीं ना कहीं सेंटर है, उसका एक पार्ट है। और एरियल और सैटेलाइट जो सोर्सेस हैं हमें NRSC से मिलते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है वॉश। वॉश इज बेसिकली वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये एक WHO का इनिशिएटिव है, इंडिया ने इसको 2019 में अडॉप्ट किया था कि भाई हाथ धोने चाहिए, हाइजीनिक रहना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें जो गोल नंबर 6 है, ये जो वॉश है ये उसको एम करता है, उसको ऑब्जेक्ट करता है, राइट ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी करेंट अफेयर्स का, वो है डिकिन्सोनिया। ये अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल है, ये नियर अबाउट 550 to 600 मिलियन ईयर्स पुराना है। इसके जो फॉसिल्स हैं वो भीमबेटका रॉक से मिले हैं जो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जो प्री हिस्टोरिक पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक पीरियड के अंडर आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज बैराबी सेरांग रेलवे प्रोजेक्ट। एजवाल को हम लोग इंडिया रेलवे की जो ग्रिड है उससे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो मिजोरम है वो फोर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बनने वाला है जो रेलवे कनेक्टिविटी जिसको प्रोवाइड होने वाली है। इससे पहले आसाम की कैपिटल दिसपुर, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला एंड अरुणाचल की जो कैपिटल है ईटानगर, वो ऑलरेडी रेलवे जो है उससे कनेक्ट हो चुका है। ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है इसका एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, दैट इज NEFR। आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं कि दिस इज मिजोरम, द कैपिटल एजवाल हियर, एंड ये जहां पर मैं मार्क कर रहा हूँ इसका मोस्ट नदर्न पॉइंट देखिए, दैट इज बैराबी एंड मोस्ट सदर्न पॉइंट सेरांग। तो ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा मिजोरम का एजवाल का कनेक्ट हो रहा है। डू रिमेंबर द पॉइंट कि यहाँ पर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सिर्फ कैपिटल को फिलहाल हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, पूरे के पूरे स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज ब्रुकेशिया नाना। ये एक रिसेंटली डिस्कवर्ड लिजार्ड है, मेडागास्कर से मिली थी ये, और ये आपके नाखून के जितनी बड़ी होती है। ये वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट अडल्ट रेप्टाइल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी की पूरी रेप्टाइल बड़ी नहीं हुई है, इट्स कम्प्लीटली एन अडल्ट रेप्टाइल, राइट। नेक्स्ट उत्तराखंड में जो एक घटना हुई थी ग्लेशियर बर्स के कारण, उसके रिलेटेड भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसे ये आप लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट में ज्यादा काम आने वाला है, बट अदरवाइज यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ दैट। नंदा देवी ग्लेशियर का एक पार्ट था जो टूट के अलग हो चुका था जोशीमठ चमोली में। इससे रिलेटेड एक ज्योग्राफिकल टर्म है ग्लेशियर लेक, क्या होती है, अ बॉडी ऑफ वाटर विथ ओरिजिन्स ऑफ ग्लेशियर एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ग्लेशियर किसी भी तरीके से इरोड हो गया या फिर वो पिघल गया, मेल्ट हो गया, तो वहां पर एक डिप्रेशन बन जाता है। उस डिप्रेशन में अगर पानी भर जाता है ग्लेशियर के पिघलने की वजह से या फिर इरोड होने की वजह से, तो उसे हम लोग ग्लेशियर लेक कहते हैं। जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था इस इंसिडेंट की वजह से वो तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पहुंचा था। ये जो तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो धौली गंगा रिवर के ऊपर है जो चमोली में है उत्तराखंड में। धौली गंगा जो रिवर है उसका जो ओरिजिनेशन है वो वसुंधरा ताल से होता है जो अलखनंदा से मिलती है विष्णुप्रयाग पर, राइट। और ग्लेशियर बर्स जो हुआ था तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट को तो नुकसान पहुंचा ही था, इसके साथ साथ जो ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। नेक्स्ट दो लाइन का हमारा करंट अफेयर है सीसा सेसा ऑर्चिड और ऑर्किड सेंचुरी। ये वन एंड ओनली ऑर्किड सेंचुरी है इंडिया की जो अरुणाचल प्रदेश में है, और फेमस ये है क्योंकि यहाँ पर मशरूम की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। न्यू मैरीगोल्ड वैरायटी इज द नेक्स्ट टॉपिक। मैरीगोल्ड क्या है, बेसिकली एक तरीके का ये फूल है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कैरेटीन कंटेंट है वो प्लांट्स में सबसे ज्यादा इस न्यू मैरीगोल्ड वैरायटी में है, अराउंड 2.8% इसमें कैरेटीन कंटेंट है और हाईएस्ट है ये प्लांट सोर्स में। कैरेटीन कंटेंट ज्यादा होने से क्या होता है कि जो फूल है वो कभी खराब नहीं होता, नॉट कभी बट गर्मी के दिनों में वो खराब नहीं होता, वो झड़ता नहीं है। और इसको जो डेवलप किया गया है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR ने किया है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं वीनस फ्लाइट्रैप। ये द हिंदू के एक क्वेश्चन कॉर्नर का करंट अफेयर है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये किया गया था एडिटर से कि जो प्लांट्स होते हैं क्या उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इसका आंसर है कि हाँ प्लांट्स में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऑब्वियसली उनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा कम होता है। ये प्लांट क्या करता है,
बेसिकली वीनस फ्लाईट्रैप एक कार्निवोरस प्लांट है जो बेसिकली इंसेक्ट्स को भी खाता है, उनको भी कंज्यूम कर लेता है। सब ट्रॉपिकल रीजन में ये ज्यादा से ज्यादा मिला जाता है और वेटलैंड एरिया में मिलता है। तो ये अपने मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है ये भेजता है और एक पूरा का पूरा ट्रैप तैयार करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर ये प्लांट है और यहाँ पर कोई इंसेक्ट है जो इसके बहुत ज्यादा नजदीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है जिससे कि ये पता चलता है कि वो इंसेक्ट उस प्लांट के कितना ज्यादा नजदीक है और उसको वो पकड़ लेता है। IUCN स्टेटस जो है इसका वल्नरेबल है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ओरोबैंच और बूम रेट्स। ये बेसिकली क्या है कि जो मस्टर्ड का जो प्लांट होता है, सरसों का जो पौधा होता है, उसकी जड़ में एक पैरासिटिक वीड के तौर पर ये पाया जाता है, बेसिकली उसको खत्म कर देता है, अप टू 50% लॉस भी उसको पहुंचाता है। और प्रॉब्लम ये है कि इसका अब तक कोई कंट्रोल मेजर नहीं है, इसको अब तक कैसे रोका जाए वी डोंट नो। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2nd February को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2nd February को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड पे, जिसे हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, जो ईरान में हुआ था 1972 में, उसकी जो साइनिंग की डेट थी, दैट इज द साइनिंग एनिवर्सरी ऑफ दैट कन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1972 में, उसी दिन को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स ऑब्वियसली कि वो जो सिग्नेचर हुए थे अग्रीमेंट पे, वो 2nd February 1972 को हुए थे। वेटलैंड्स क्या होते हैं आप सभी लोगों को पता है, एक ऐसी जगह जहां पर वाटर बॉडीज और लैंड आकर मिलते हैं, काफी मडी एरिया होता है, दलदली इलाका, जिसे हम लोग वेटलैंड कहते हैं। इंडिया में राइट नाउ देयर आर नाउ अराउंड 42 रामसर वेटलैंड साइट्स। अगर आपको वेटलैंड्स के बारे में पढ़ना है तो आप सिनॉप्सिस के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन में जा सकते हैं। नियर अबाउट 16 लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो वेटलैंड से रिलेटेड, रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको उस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज हैरम। हैरम एक एनिमल ग्रुप होता है, इसमें एक या दो मेल एनिमल होते हैं और बाकी के सारे जो होते हैं वो फीमेल एनिमल होते हैं। तो यहाँ पर जो मेल एनिमल है वो अपनी डोमिनेंस को क्रिएट करने की कोशिश करता है ताकि वो डोमिनेंट उसका उस मेल मेंबर का बना रहे और उनके जो ग्रुप की यूनिटी है वो भी कहीं ना कहीं बनी रहे। नेक्स्ट एजिंग डैम्स, ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्शन है उसमें भी ये काम आता है। इंडिया में जो लार्ज डैम्स की जो संख्या है, जो क्वांटिटी है, वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है, राइट। 5200 से ज़्यादा लार्ज डैम्स हैं इंडिया में, 1100 डैम्स तो ऐसे हैं जो 50 साल से ज़्यादा पुराने हैं और कुछ डैम्स तो ऐसे हैं जो 120 साल से ज़्यादा पुराने हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो लार्ज डैम्स हैं इनका मेंटेनेंस बहुत अच्छे से नहीं किया जाता इंडिया में, और जो मीडियम और जो छोटे डैम्स हैं उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब है, उनका मेंटेनेंस और भी ज़्यादा खराब किया गया। खैर नेक्स्ट आते हैं हम लोग महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट पर, जो आसाम में है। ये एक मल्टी मॉडल वाटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने इससे जस्ट पिछले करंट अफेयर में हम लोगों ने मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पढ़ा था। इसमें मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी एक कंपनी या किसी एक इंडिविजुअल को दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं वो मल्टी प्रोजेक्ट्स रहते हैं, चाहे वो वाटर वेस का हो, रोड वेस का हो या एविएशन का हो। तो ये महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट जो है इसमें 20 किलोमीटर लंबा एक अक्रॉस रिवर ब्रिज बनाया जाएगा, जो इंडिया का सबसे लंबा अक्रॉस रिवर ब्रिज होने वाला है। इस महाबाहु ब्रह्मपुत्र अक्रॉस द रिवर ब्रिज से पहले जो धोला सादिया ब्रिज था इंडिया का, वो सबसे बड़ा था। नेक्स्ट आते हैं डेनमार्क टू क्रिएट वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। ये नॉर्थ सी में लोकेटेड है, यहाँ पर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स विंड टर्बाइंस बनाई जाएंगी। विंड टर्बाइंस बनाई जाएंगी मतलब पावर जनरेट होगी, पावर जनरेट होगी मतलब हाउस होल्ड्स में काम लिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट करने पर शिपिंग, एविएशन और हैवी ट्रांसपोर्ट में भी इस पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो डेनमार्क जो है वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइलैंड बनने वाला है, राइट। तो ये थी हमारी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के करंट अफेयर्स की न्यूज़ फरवरी के कंपाइलेशन की। अब हम लोग आते हैं अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज़ पर। नंबर वन इज वैक्सीन अगेंस्ट कोविड वेरिएंट्स। जैसा कि पता है कि वैक्सीनेशन का काम इंडिया में अब चालू हो चुका है, लेकिन जो कोविड वायरस है वो कहीं ना कहीं अपने वेरिएंट को चेंज कर रहा है, वो अपने म्यूटेशन को चेंज कर रहा है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई जीनोम अपनी क्वालिटी को चेंज करता है, एंटीबॉडीज से लड़ने के लायक हो जाता है, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन जैसे जैसे कोविड वायरस का चेंज होता रहेगा, जो अवेलेबल वैक्सीन हैं वो उस पर कम काम करेंगी, राइट। नेक्स्ट आते हैं ज़ोलगेंज़मा जीन थेरेपी पे। ज़ोलगेंज़मा जीन थेरेपी क्या होती है कि ये एक वन टाइम इंजेक्शन है
जो किसी भी ऐसे बच्चे को अप्रूव किया गया है यूएस की तरफ से जिसकी उम्र 2 साल से कम है, अगर हम ये ज़ेलगोंसमा जीन थेरेपी को इस्तेमाल करते हुए वो इंजेक्शन अगर उसे प्रोवाइड करते हैं तो जो डिफेक्टिव जीन है वो रिप्लेस हो जाएंगे नॉर्मल जीन से और जो उसकी बीमारी है वो काफी हद तक ठीक हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, दैट इज जेनेटिक लीगो। जेनेटिक लीगो को समझने से पहले आपको लीगो ब्लॉक्स के बारे में समझना होगा। आप लोगों को याद होगा कि बचपन में बहुत सारे हम लोग लीगो ब्लॉक से खेलते थे, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते थे और उसको मिला के हम लोग कोई एक पिक्चर बना लेते थे। तो जीन्स में भी इसी तरीके के लीगो ब्लॉक्स होते हैं। जेनेटिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ शफल कर लेते हैं और नए जीन्स बना लेते हैं। इससे रिलेटेड एक और टर्म है जिसको हम लोग जंपिंग जीन्स कहते हैं। जंपिंग जीन्स क्या होता है? अ डीएनए सीक्वेंस दैट कैन चेंज इट्स पोजीशन विद इन अ जीनोम। एक जीनोम के अंदर ही डीएनए जब अपनी पोजीशन चेंज करता है और ATCG वाले जो नए ब्लॉक्स क्रिएट करता है उसको हम लोग जेनेटिक लीगो कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस कार्बन वॉच ऐप। कार्बन वॉच ऐप एक तरीके की मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे कि ये समझा जा सकता है कि एक इंडिविजुअल जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कितना ज्यादा जनरेट कर रहा है, राइट? कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? हम सभी को पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो रिलीज होती हैं वो एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से उसे हम लोग कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। 1988 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और सबसे बड़ी अचीवमेंट्स इनकी ये रही हैं कि इन्होंने सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं, जैसे जो परम सुपर कंप्यूटर है वो भी सीडैक ने ही बनाया है। न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो एजुकेट कर रही है अपने ऑफिसर्स को इंटरनेट एथिक्स के लिए और साइबर हाइजीन के लिए, राइट? और ये जो पूरा आपका पूरा प्रोग्राम है ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंडर भी आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, दैट इज केमिकल्स इन प्लास्टिक टॉयज। केमिकल्स इन प्लास्टिक टॉयज, अब हम सबको पता है कि जो प्लास्टिक टॉयज हैं उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स हैं वो हैं ब्यूटीरेट T11B एंड साइट्रेट ATBC, राइट? और इसे पैथलेट के सब्सिट्यूट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पैथलेट्स क्या होते हैं? इट्स अ फैमिली ऑफ केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड टू मेक PVC। वैसे तो अगर हम लोग प्लास्टिक में केमिकल्स देखें कि कितने तरीके के होते हैं तो नियर अबाउट 419 या 429 तरीके के केमिकल्स होते हैं, बट जो ज़्यादा हार्मफुल हैं वो ये दोनों हैं। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाइजरम पॉलीसिफिलम प्लांट। ये एक सिंगल सेल प्लांट है एंड इट इज़ एन असेल्युलर स्लाइम मोल्ड जिसे हम लोग माइक्सोमाइसिट के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली क्या है, स्पेशल चीज़ इसमें क्या है कि ये मेमोरीज को रिट्राइव कर सकता है, मेमोरी को इसको ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। जैसे हमारा बॉडी नेटवर्क पूरी की पूरी मेमोरी को स्टोर करता है उसी तरीके से ये प्लांट भी मेमोरी को स्टोर कर सकता है, जबकि इसमें कोई भी ब्रेन नहीं होता है, राइट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेमोरहेजिक स्पेटिसीमिया। ये एक डिसीज है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है सेट्यूला मल्टीसीडा। आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई एक्चुअली डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस टिपिकल साइंटिफिक वर्ड। ये जो एक तरीके का डिसीज है ये बेसिकली कैटल एंड वाटर बफेलो में होता है। कंटेजीनियस डिसीज है, मतलब एनिमल टू एनिमल ये ऑब्वियसली फैल सकता है। ज़्यादातर ये लाइव स्टॉक्स को जो होता है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, एशिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट। न्यूज़ कंटेक्स्ट क्या है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो 6 एलिफेंट्स हैं वो उनकी डेथ हो गई उड़ीसा में, जो कालाहांडी सेंचुरी है करलापट वाइल्ड लाइफ में। तो ये जो स्पेस्टिसीमिया जो डिसीज है उन्हीं की वजह से इन 6 एलिफेंट्स की भी डेथ हुई है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नैनोफोनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द साइंस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ लाइट एंड द मैटर ऑफ नैनो स्केल टू इनेबल ऑन चिप डिवाइस। इससे मदद क्या होती है? इससे मदद ये होता है कि वो जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो और ज़्यादा डेप्थ में जा सकती है और बेसिकली क्या हो सकता है कि नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी भी इसमें और ज़्यादा आ सकती है। तो बस आप नैनोफोनेटिक्स की डेफिनेशन याद रखिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछेगा नहीं। इसमें क्या है कि ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरिएबल डिवाइसेस हम लोग नए नए बना सकते हैं। नेक्स्ट नोवा 1। साइंस में हम लोग आप लोगों को सिर्फ 1-लाइनर ही दे रहे हैं। वैसे तो पेपर 3 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है उसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना रहता है, बट प्रीलिम्स में ज़्यादा नहीं पूछेगा।
What is NOVA1? RNA building protein NOVA1 is a protein that in humans is encoded by the NOVA1 gene. तो ये RNA building binding protein है. That's it. Next आते हैं हम लोग gene regulation में. It is the process by which the cell determines which genes will be active and which genes will not be active. तो gene regulation क्या होता है? Gene regulation एक ऐसी process है जिससे कि ये decide होता है कि एक ऐसा सेल है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ये डिसाइड होता है कि कौन सा जीन एक्टिव रहेगा, कौन सा जीन एक्टिव नहीं रहेगा. राइट, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA. आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर MSA लिखा है, दैट इज SMA डिसीज. ये एक ऐसा डिसीज है जिससे कि जो नर्व सेल है वो हमारे पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं. नर्व सेल बेसिकली खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे माइंड और हमारे बॉडी के बीच में कनेक्शन होता है, तो वो जो कनेक्शन है वो टूट जाता है इस डिसीज की वजह से. बेसिकली दो कॉपीज ऑफ जीन्स होते हैं, एक जो कॉपी है हमको हमारी मदर से मिलती है और एक जो कॉपी है हमको हमारे फादर से मिलती है. तो अगर ये दोनों के दोनों जीन्स जो हैं अगर वो डिफेक्टिव हैं तभी ये डिसऑर्डर हमको आ सकता है. ठीक है, और इसका एक इलाज भी है जिसको वंडर ड्रग के नाम से जाना जाता है, ज़ोलगेंसमा, जिसके बारे में जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था. बट द थिंग इज ये ड्रग बहुत ज्यादा महंगा है, नियर अबाउट 1600 करोड़ के आसपास का. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस का, दैट इज चाइना ताइवान वन प्रोब, जिसे हम लोग होजिंग वन के नाम से भी जानते हैं. ये चाइना का फर्स्ट मार्स प्रोब है और चाइना जो है वो थर्ड कंट्री बनने वाला है मार्स पे जाने वाला USSR और USA के बात. और ये जो मार्स प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग मार्क 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, आइंस्टीनियम. आइंस्टीनियम नाम से ही पता चल रहा है कि इसको किसने डिस्कवर किया होगा, द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने. जो फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब जो था, जो ब्लास्ट हुआ था, उसकी जो डिब्री है, डिब्री मतलब ट्रैश, कचरा, उसकी डिब्री से जो चीज क्रिएट हुई थी वो है आइंस्टीनियम. ठीक है ना, तो इसकी नई कैरेक्टराइजेशन भी इसकी पता चली थी, नई प्रॉपर्टीज भी इसकी पता चली थी 1952 में इसको डिस्कवर किया गया था. और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हाईली रेडियो एक्टिव है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्क्वायर किलोमीटर एरे, SKA. ये एक इंटर गवर्नमेंटल रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है, मतलब बेसिकली रेडियो टेलीस्कोप बनाया जाएगा और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होने वाला है. ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा. अफ्रीका में पहले इसे सिर्फ साउथ अफ्रीका में बना रहे थे, लेकिन अब इसको नॉर्दर्न अफ्रीका के भी कुछ कंट्रीज में बना रहे हैं. ठीक है, तो ये स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का इसका काउंसिल भी है जिसका हेडक्वार्टर UK में है. इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया इसका मेंबर है. तो रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है सर? रेडियो टेलीस्कोप बेसिकली सिंपल सा है, जो इनविजिबल गैसेस होती हैं उनको डिटेक्ट कर लेता है और जो कॉस्मिक डस्ट होती है, कॉस्मिक डस्ट का मतलब होता है जो स्पेस की जो डस्ट होती है उनको भी ये पहचान लेता है, डिटेक्ट कर लेता है. जो पहला रेडियो सिग्नल जो डिटेक्ट हुआ था वो फिजिसिस्ट कार्ल जेंस्की ने किया था 1930 में. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट साइंस के नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट. तो ये जो है ये फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च है जो बायोफ्यूल जिसमें हेल्प था. ठीक है ना, तो मतलब बायोफ्यूल से फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च था. इसको ब्लू शिफ्ट ने मैन्युफैक्चर किया था, जो कि एरोस्पेस कंपनी है USA की, और लॉन्च भी इसको USA से ही किया गया था, लॉरिंग कॉमर्स सेंटर से. बायोफ्यूल क्या होते हैं? बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक वेस्ट से बनते हैं. चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्मार्ट वॉल्स फॉर इंडिया. अब इंडिया जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला है. जैसा कि हमें पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इंटरनेशनल बाउंड्री पे वॉल बनाने की बात कही थी, उन्होंने लिटरली वॉल बनाने की बात कही थी. लेकिन हम लोग एग्जैक्टली वैसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्मार्ट वॉल्स बना रहे हैं. दैट मीन्स हम लोग टेक्नोलॉजी को कलेक्ट करेंगे और ड्रोन्स का यूज करेंगे, स्कैनर्स का यूज करेंगे, सेंसर्स का यूज करेंगे, टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना की जो बॉर्डर हो, उसमें जो इलीगल एंट्री होती थी या एक्टिविटीज होती थी या स्मगलिंग होती थी, वो सारी की सारी चीजें बंद हो जाएगी. नेक्स्ट आते हैं लिथियम डिपॉजिट. न्यूज में ये इसलिए क्योंकि कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में जो लिथियम डिपॉजिट है बहुत ज्यादा मिला है. तो लिथियम के बारे में इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना. व्हाइट सिल्वरी मेटल है, सॉफ्ट भी होता है, लाइटेस्ट मेटल है और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी है. ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, फ्लेमेबल होता है और अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आपको मिनरल ऑयल में इसको स्टोर करना पड़ेगा. राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग एथेनॉल, जो एक अल्टरनेट फ्यूल जो है वो अब बनने वाला है.
नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स जो है हमारी, इसके अलावा जो एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम है, उसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 2030 तक जो पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा एथेनॉल, वो मिनिमम 20% होना चाहिए। एथेनॉल बेसिकली बनता कैसे है, ये शुगर केन से बनता है फर्मेंटेशन से, और शुगर केन के अलावा ये मेज और वीट से भी बनता है क्योंकि वीट में बहुत ज़्यादा स्टार्च आपको मिलेगा। तो एथेनॉल जो होता है इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होता है कि इंजन जो है वो आसानी से चलता है, और एथेनॉल ऑब्वियसली बात है कि एक बायोफ्यूल है तो जो एमिशन है वो भी बहुत कम होगा। ठीक है, चलिए ये थी हमारी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की फरवरी की न्यूज़। अब आते हैं हम लोग अपने सिक्योरिटी की न्यूज़ पे। तो नंबर वन इज उथुरु थिला फालहू UTF, ये अग्रीमेंट है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। इसमें बेसिकली क्या है कि ये डेवलप किया जा रहा है इसमें मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर। ठीक है, तो एक पूरा का पूरा कोस्ट गार्ड हार्बर जो है वो इंडिया और मालदीव्स मिलकर तैयार कर रहे हैं, कहाँ पर, मालदीव्स में। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी इशू के अंडर इस वजह से आया है। नेक्स्ट हाउजर एक टॉपिक है छोटा सा, ये बेसिकली लॉन्ग रेंज वीपन है। बेसिकली क्या है कि आर्टिलरी गन की तरह ये काम करता है, दो तरीके से फायर करता है। एक होता है शेल की तरह फायर करना, शेल की तरह फायर करना मतलब फ्लैट फायर करता है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये फ्लैट फायर हुआ। ठीक है ना, यहाँ से फायर हुआ और ये यहाँ गया, तो इसे हम लोग शेल कहते हैं। मोर्टार जो होता है मतलब बेसिकली ये ऊपर से लेके नीचे तक इस तरीके से फायर होता है, तो इसे हम लोग मोर्टार कहते हैं, बेसिकली हायर एंगल से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अर्जुन MK-1A टैंक। ये अपग्रेडेड वर्जन है अर्जुन MBT MK-1 का। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि फायर पावर इसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, हाई मोबिलिटी होनी चाहिए और एक्सीलेंट इसमें प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और इसको किसने डेवलप किया, DRDO ने डेवलप किया, बस इतना इंपॉर्टेंट है। हेलिना अगेन, ये एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फगेट हेलीकॉप्टर है। ये नाग एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल है उसका हेलीकॉप्टर वर्जन है फायर एंड फगेट। और इसका हेलिना का एक एयरफोर्स वेरिएंट भी है जिसको हम लोग ध्रुवास्त्र के नाम से जानते हैं। और हेलिना को अगेन किसने डेवलप किया, ऑब्वियसली DRDO ने डेवलप किया। पाकिस्तान ने भी एक क्रूज मिसाइल डेवलप की है जिसको बाबर क्रूज मिसाइल के नाम से जाना जाता है, या फिर HTF-7 के नाम से भी इसको जानते हैं। सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो पानी से भी या फिर लैंड से भी कहीं से भी ये लॉन्च हो सकती है। रेंज इसकी 490 किलोमीटर है। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं K9 वज्र, इसे हम लोग K9 थंडर के नाम से भी जानते हैं। ओरिजिनली तो ये साउथ कोरिया का है, हाउइट्जर है ये भी, और शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी है इसमें। शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक जगह से ये फायर करके अपने एक जगह से मूव कर सकता है, मतलब पॉइंट ए से अगर इसने यहाँ से इसने फायर किया तो ये मूव कर सकता है पॉइंट बी तक, और फिर वहां पे भी जाके फायर कर सकता है, देन ये पॉइंट सी तक जा सकता है। तो बेसिकली टारगेट को फायर करता है और मोबाइल लोकेशन ये कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। ठीक है ना, तो इंडिया में ये इसको कौन बनाता है, LNT। 2015 से पहले इसको साउथ कोरिया से ही हम लोग मंगवाते थे, इंपोर्ट करवाते थे, लेकिन 2015 से LNT इसको इंडिया में बनाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग KA-2260 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, जो इंडिया के जो चीता और चेतक फ्लीट के जो हेलीकॉप्टर हैं जिसको आर्मी और एयरफोर्स यूज करती है, उसको ये रिप्लेस करने वाला है। क्यों करने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली चीता और चेतक फ्लीट जो है उनकी वो पुराने हो चुके हैं, मेंटेन करना उनको बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, तो इसको बनाया किसने है, इंडिया रशिया हेलीकॉप्टर लिमिटेड, दैट इज IRHL, यानी कि रशिया और इंडिया का ये जॉइंट वेंचर है, रशियन हेलीकॉप्टर्स एंड HAL का। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर है, इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव, मतलब इंडियन ओशन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जो सारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका कॉन्क्लेव हुआ था, उनकी मीटिंग हुई थी, कहां पे हुई थी, एरो इंडिया प्रोग्राम बैंगलोर में। राइट, चलिए ये थे हमारे सिक्योरिटी वाले करंट अफेयर्स के टॉपिक। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मिसलेनियस वाला। ठीक है, फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट है। फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी आपको कहीं पर भी ट्रैवल करना है फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली अगर आप US ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको अपनी फ्लाइट कैच करने से पहले 72 आवर्स पहले आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, और उसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो जो सर्टिफिकेट अगर है आपके पास कि भैया आप पॉजिटिव नहीं हैं, आप नेगेटिव हैं, कोविड नेगेटिव हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट के थ्रू परमिशन दी जाएगी उस कंट्री से बाहर जाने की या आने की, इसे हम लोग फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट कहते हैं।
वेरी सिंपल, ट्विटर आप सभी लोग जानते हैं, तो ये एक इंडियन अल्टरनेटिव है ट्विटर का। ट्विटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई ट्रोल हो रहा है, कोई ट्रोल कर रहा है, तो ट्विटर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, तो कू जो है एक इंडियन अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो तैयार है। और ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, उन्होंने ट्विटर जो अपना अकाउंट है वो कू में ट्रांसफर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रबुद्ध भारत पे। प्रबुद्ध भारत जो है वो 125th एनिवर्सरी है। किस चीज की? ये बेसिकली एक मंथली जर्नल था, ठीक है ना, रामकृष्ण ऑर्डर पर, जिसको स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था, तो ये प्रबुद्ध भारत वो है। नेक्स्ट, करप्शन इंडेक्स। इसमें आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको इशू करता है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज कृतज्ञ। ये एक नेशनल लेवल का हैकेथॉन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। एम क्या है इसका? एम ये है कि एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो इनोवेशन है वो आना चाहिए। सी विजिल ऐप, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है वो सी विजिल ऐप यूज करती है। न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि आंध्र प्रदेश इलेक्शन कमीशन ने अपनी कोई एक नई ऐप निकाली थी इलेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब सी विजिल ऐप अवेलेबल है तो आपको दूसरी कोई ऐप यूज करने की जरूरत नहीं है। राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, दैट इज चाह बागीचा धन पुरस्कार मेला स्कीम। ये गुवाहाटी में है ये स्कीम इम्प्लीमेंटेड, आसाम में 2017-18 से। इस स्कीम का मेन एम ये है कि जो टी गार्डन एरियाज जो हैं वहाँ पर बैंक अकाउंट्स भी ओपन होने चाहिए और नए बैंक्स भी खुलने चाहिए, ताकि जो लोकल वर्कर्स हैं टी गार्डन्स में काम करने वाले, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। स्विच डेली कैंपेन, डेली कैंपेन ऑब्वियसली बात है कि डेली गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है, तो डेली गवर्नमेंट बस ये प्रमोट कर रही है कि डीजल और पेट्रोल के व्हीकल्स को छोड़कर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करें। राइट, चलिए हम आज की लास्ट न्यूज पे आते हैं, परिवार पहचान पत्र स्कीम। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2019 में। अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी स्कीम का अगर किसी भी गरीब आदमी को बेनिफिट लेना होता है तो वो गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगा लगा के थक जाता है, लेकिन उसको स्कीम का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता। तो ये परिवार पहचान पत्र स्कीम में क्या है कि आपको बस एक आईडी दी जाती है, वो आईडी आपको जनरेट करनी है, किसी भी तरीके के और डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करने हैं और बार बार आपको ऑफिसेज जाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो कैश का बेनिफिट हो या फिर काइंड का बेनिफिट हो या किसी भी तरीके का बेनिफिट हो, वो आपके घर पे आ जाएगा। राइट, तो ये थे हमारे फरवरी 2021 के सारे करेंट अफेयर्स। तो हमारा दिसंबर का करेंट अफेयर ऑलरेडी कंपाइलेशन में कंप्लीट हो चुका है, फेब का आज हम लोगों ने कर दिया है। आने वाले कुछ दिन में जो जनवरी और नवंबर का भी जो बैकलॉग है कंपाइलेशन और सिंगल वीडियोस दोनों के साथ, वो हम लोग जल्द से जल्द कवर कर देंगे। जितना भी बैकलॉग है इट वुड बी कवर्ड विद इन फ्यू वीक्स। और जहां तक बात रही आपके पीटी 360s की, राइट, तो अगस्त तक जितने भी पीटी 360s हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स के, वो ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। सितंबर से लेके अभी मार्च तक के जो आपका चल रहा है वो भी आने वाले कुछ दिनों में कवर अप कर दिए जाएंगे। तो जितना भी मैंने आप लोगों को, हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं द हिंदू के इंडिविजुअल टॉपिक हो या कंपाइलेशन हो, अगर आपको वो फ्री PDF चाहिए तो आप synopsis.in वेबसाइट पर जाइए, आपको वहां पर वो फ्री में अवेलेबल होंगे, डाउनलोड आप फ्री में कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री में हार्ड कॉपीज चाहिए तो synopsis.in का जो हेड ऑफिस है दिल्ली में करोल बाग में, आप वहां पर भी आकर कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हार्ड कॉपीज दे दी जाएंगी। सो वी हैव कंप्लीटेड फाइनली द फरवरी कंपाइलेशन, एंड आने वाले कंपाइलेशन के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।